ठाई आखर प्रेम का ठाई आखर ठाई ठाई। नमस्कार, मैं मानुषी आप सबको आज एक बार फिर ले चल रही हूँ एक नए सफर पर ढाई आखर में। आज हम आपको ले चल रहे हैं एक ऐसे यात्रा पर जहाँ हम बातचीत करेंगे ठुमरियों के बारे में और उनका इस्तेमाल किस तरह से भारतीय हिंदी सिनेमा में हुआ उसके बारे में। इस विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं रमणीक सिंह जी। रमणीक सिंह जी भारतीय शास्त्रीय संगीत की एक गायिका हैं और साथ ही में उन्होंने ठुमरी पर अध्ययन भी किया है। आइए उनसे बातचीत करते हैं इस विषय पर। मगर इस बातचीत को आगे बढ़ाने से पहले हम जानना चाहेंगे कि ठुमरी आखिर है क्या। याद पिया ठुमरी जो नाम है वो नाम जो पड़ा इसका वो इसके बीच में इसके मूल में ठुम शब्द है। ठुम और री दो शब्दों से मिलकर के बना है और इसकी चर्चा बहुत दिनों तक होती रही और लोगों ने इसके अर्थ निकालने की चेष्टा की, परंतु मैंने जहाँ तक खोजा है और मैंने जहाँ तक देखा है ये ठुमरी का जो एक साधारण सा अर्थ है कि ठुम का मतलब है कि नृत्य, ठुमके के साथ में नृत्य यानी ठुमकते हुए, और री का अर्थ होता है वाली, स्त्रीलिंग प्रत्यय है इसका अर्थ है वाली। तो गीत के साथ में गाई जाने वाली गीती या गीत विधा वो ठुमरी का एक ये अर्थ हुआ। नमस्कार रमणीक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के ढाई आखर के इस एपिसोड में। नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद। रमणीक जी, अभी हमने सुना कि ठुमरी क्या है, अगर आप जरा विस्तार से हमारे दर्शकों को बताएं कि ठुमरी क्या है और साथ में ठुमरी की उत्पत्ति कहाँ हुई, कैसे हुई। ठुमरी एक बहुत ही यूनिक जॉनरा है जिसको वाजिद अली शाह के दरबार में जिसकी शुरुआत हुई, कहने को तो दिग्गज लोग कहते हैं कि भाई 15वीं शताब्दी में इसकी शुरुआत हुई, बट उसका जो मेन जो पॉपुलैरिटी है वो 19th सेंचुरी में वाजिद अली शाह जो अवध के नवाब थे उनके दरबार में शुरू हुई। वो खुद ही एक आर्ट पेट्रन थे और म्यूजिशियन भी थे और उन्होंने कथक और ठुमरी को मिलाकर जिस तरह से एक नया एक जिसे कहते हैं ना कि नई जॉनरा की शुरुआत करी, जो ठुमरी के बोल हैं उनकी जो एक इमोशनल फीलिंग है वो कथक के जो मूवमेंट्स हैं, अभिनय हैं, हाव भाव है उसके साथ बहुत मैच करते थे। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कॉम्बिनेशन उन्होंने शुरुआत उससे करी और आगे जाके वो दूसरी बात है कि ठुमरी एक अलग जॉनरा बन गया अपार्ट फ्रॉम कथक। तो ये सबसे बड़ी बात है इस तरह से ठुमरी के ओरिजिन को अगर हम देखें तो ये उसकी शुरुआत थी। जी, तो ठुमरी जो है उसके आपने जैसे कहा कि वो नृत्य के साथ होती थी मगर बाद में उसने एक अलग जॉनरा का रूप ले लिया और उसको गायन में लाया गया। तो गायन में क्या खास बात है ठुमरी की जो कि हम देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यही है, नृत्य में भी जैसे अभिनय होता है वैसे ही ठुमरी में भी एक गायन के थ्रू या एक्सप्रेशंस ऑफ इमोशंस जो कहते हैं आप, जैसे उसमें अगर आप विरहा ले लें या भक्ति की एक फीलिंग ले लें या आप रोमांस की फीलिंग ले लें, श्रृंगार रस की फीलिंग ले लें, तो ये सब बातें जो हैं
वो एक मेन एम्फेसिस है ठुमरी के एक्सप्रेशन का। रंग डारूंगी डारूंगी रंग डारूंगी ओ रंग डारूंगी डारूंगी रंग डारू डारूंगी रे रंग डारूंगी डारूंगी रंग डारू अरे नंद के लालन पे नंद के लालन पे रंग डारूंगी डारूंगी रंग डारूंगी रे रंग डारूंगी डारूंगी रंग डारूंगी श्याम सुंदर जी। अभी हमने जैसे कि देखा ठुमरी में, हमारे दर्शकों की ये जिज्ञासा जरूर रहेगी कि ठुमरी में हिंदी आ बोलचाल की भाषा तो नहीं लगी, तो ये किस तरह की भाषा का इस्तेमाल होता है ठुमरी में? और इसके अलावा ये भी कि ठुमरी को उपशास्त्रीय संगीत का एक हिस्सा माना गया है, उस कैटेगरी में डाला गया है उसको, तो ऐसा क्यों? देखिए मानुषी, सबसे पहली बात तो यही है कि भाषा हिंदी ही है बेसिकली, क्योंकि नॉर्थ से आती है, लेकिन उसके डायलेक्ट्स जो हैं वो फ़र्क हैं। ब्रज भाषा, भोजपुरी, अवधी, ये तीन ऐसी भाषाएं हैं जिसके अंदर ठुमरी गाई जाती हैं, क्योंकि इसमें एक सॉफ्टनेस है और इसमें एक फोक कल्चर जो है यूपी का, उसका चित्रण होता है। जैसे पिया का पियरवा, ननद का ननदिया, इस तरह से एक उसमें एक फील आती है। आगे चलकर इसमें थोड़े से जो चेंजेस आए, वो बेगम अख्तर साहिबा के आने से, जो फैज़ाबाद से हैं, उनकी एक मुस्लिम इन्फ्लुएंस था, उन्होंने ब्रज भाषा को खड़ी बोली की एक जिसे कहते हैं ना, शुरुआत वहाँ से हुई, क्योंकि उनका एक गज़ल का जो टच था वो उनके ठुमरी से, ठुमरी दादरा में आया, और उसमें थोड़े से चेंजेस यूं आए। और आपका जो दूसरा सवाल है कि ठुमरी क्लासिकल में ना होकर सेमी क्लासिकल में के जॉनरा में क्यों आती है, वो यही है उसका रीज़न। सबसे पहली बात, आप ठुमरी सीखने के लिए हमें क्लासिकल का एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए, उसकी बैकग्राउंड चाहिए, बिकॉज़ ये सारा रागों पे बेस्ड है। तो आप अगर हम क्लासिकल के अंदर एक फेंस में रहते हैं, एक राग लेकर, इसमें बल्कि इस तरह से है कि बल्कि और भी मुश्किल है रागों को
बहुत सारे रागों को इकट्ठा कर कर एक राग में, जिस तरह हम गा रहे हैं शुरुआत, जैसे कहते हैं अगर सपोज खमाज में लिया, उसमें आपने डिफरेंट डिफरेंट रंग दिखाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट रागों को लिया, इमोशंस जो हैं विरह का इमोशन, भक्ति का इमोशन और श्रृंगार रस दिखाने के लिए, सारे रसों को दिखाने के लिए आपको रागों को लेना पड़ता है। रमणीक जी, आपने इतनी सुंदर बातें बताई, आप अगर जरा सा हमारे दर्शकों को डेमोंस्ट्रेट करके बताएं कि किस तरह से आप जो कह रही हैं भावों की बात, या फिर शास्त्रीय संगीत की वजह से इसको जो उपशास्त्रीय संगीत कहा गया, और किस तरह से इसमें शास्त्रीय संगीत का पुट देखने को मिलता है, अगर हमारे दर्शकों को आप थोड़ा बता सकें। जरूर, एक बहुत ही फेमस ठुमरी है, कौन गली गयो शाम, मैं आपको थोड़ा सा उसका एक एग्जाम्पल देती हूँ। कौन गली गयो शाम बता दे, कौन गली गयो शाम, कौन गली, कौन गली गयो शाम, शाम कौन गली गयो शाम, कौन गली गयो शाम, गली गयो शाम, गली गयो, कौन गली गयो शाम। क्या बात है रमणीक जी, बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस चीज को बिल्कुल ही साफ कर देने के लिए कि किस तरह से इसमें आपने भाव भी डाले और किस तरह से इतने सारे बोल बनाव जो आपने दिखाए, जिससे समझ में आता है कि ये एक शास्त्रीय संगीत का ही अंग है। और जैसा आपने कहा कि बिना शास्त्रीय संगीत को समझे, बिना उसको सीखे ठुमरी गाना असंभव है। जी बिल्कुल। का कर सजन याद न पाला, का कर सजन याद न पाला, जल पत बीत मद फूल फूल गतिया याद न पाला, आग न पार अभी हम बात कर रहे हैं जब ठुमरी की, मैं ये भी देखती हूँ कि हम जैसे ही ठुमरी सुनते हैं हमें एक तरह से समझ में आ जाता है कि ये ठुमरी है। और शायद इसकी एक वजह ये कि आप बार बार कह रही हैं भावों का इसमें आना, मगर और क्या वजह है कि हमें सुनते ही ये समझ में आ जाए, कहीं भी ठुमरी चल रही हो, ठुमरी सुनाई दे रहा हो तो हमें समझ में आ जाता है कि ये ठुमरी है। क्या कोई खास राग होते हैं जिनको कि हम ठुमरे में इस्तेमाल करते हैं, क्या कोई खास ताल होते हैं जिनको कि हम ठुमरे में इस्तेमाल करते हैं कि जो वो इतने टिपिकल होते हैं कि हमें सुनते ही समझ में आ जाए कि ये ठुमरी का गायन हो रहा है? जी जरूर, देखिए हमने पहले भी बात करी कि जो ठुमरी है वो भाव प्रधान है और इसमें श्रृंगार रस का एक बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, प्रभाव है।
और सिर्फ श्रृंगार ही नहीं, आप विरहा ले लें, आप भक्ति ले लें, आप इसमें एक चंचलता है, एक खुशी है, एक दुख है, एक गुस्सा है, सारे जो भी हम नवरस जिसे कहते हैं हमारे अंदर, एक फीमेल वॉइस के थ्रू ये इसको पेश किया जाता है। और एक जिस तरह हमने पहले भी डिस्कस किया कि ये एक फोक म्यूज़िक के थ्रू हमारा ये ठुमरी जो आ रही है, और जैसे मैंने अगर कहा कि फोक म्यूज़िक के थ्रू आ रही है तो फोक कल्चर भी इसमें जुड़ा हुआ है। और जो भी पुराने टाइम में जिस तरह से लोग सीजन्स को एंजॉय करते थे, अगर आप बसंत ले लें, बसंत में होली का जो एक वर्णन है कृष्ण लीला के थ्रू, ब्रज 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 की होली उसका जो वर्णन है, या आप ले लें चैत का महीना उसका वर्णन है, या आप कजरी के अंडर कितने सारे जॉनराज जिसे कहते हैं, सब जॉनराज हैं जिसे कहते हैं, सावन झूला ये सब जो हैं वो गाए जाते हैं, और उस पॉइंट पे उस सीजन का जो एक फीलिंग आनी चाहिए वर्ड्स के थ्रू उसको डिपिक्ट किया जाता है। जस्ट आपको एक छोटा सा मैं एग्जांपल देती हूँ। देखिए सावन जो है ये एक मूवी है जुनून, जो बहुत पहले आई थी 1978 मेरे ख्याल, उसमें गाया गया, जस्ट आई थिंक लोगों को याद आएगा, घिर आई कारी घटा मतवारे, घिर आई कारी घटा मतवारे, सावन की आई बहार रे, सावन की आई बहार रे। और एक झूला जो उमराव जान मूवी में मेरे ख्याल था, झूला किन्ने डारा रे हम दैया, झूले मोरा सैया, लू मैं बलैया रे हम दैया, झूला किन्ने डारा रे हम दैया। क्या बात है, क्या बात है रमणीक जी। आप अगर हमारे दर्शकों को एक होरी, जैसे कि आप कह रही हैं बसंत में होरी और इस सारे सीजन्स की जो आप बात कर रही हैं, क्या आप हमारे दर्शकों को एक होरी गा के सुनाएं? जरूर। रंगी सारी गुलाबी चुनरिया रे, रंगी सारी ओ रंगी सारी हाँ, रंगी सारी गुलाबी चुनरिया रे, मोहे मारे नजरिया सवरिया रे, मोहे मारे नजरिया सवरिया रंगी सारी हाँ, रंगी सारी, रंगी सारी गुलाबी चुनरिया, गुलाबी चुनरिया, गुलाबी नजरिया सवरिया रे, जावो जी जावो करो ना बतिया, जावो जी जावो, जावो जी जावो, जावो जी
जावो जी जावो जावो जी जावो जावो जी जावो करो ना बतिया ए जी बारी हाए जी बाली है मोरी उमरी यारे मुहे मारे नजरिया सवरिया रे मुहे मारे नजरिया सवरिया रे रंगी सारी हाँ रंगी सारी हो रंगी सारी गुलाबी चुनरिया रे वाह रमणीक जी, आपके इस होरी को सुनकर तो ऐसा लग रहा था जैसे कि हम होली के ही मौसम में एक बार फिर से पहुंच गए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रमणीक जी, हम अपने इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और हम चलते हैं हिंदी फिल्मों की तरफ। तो हिंदी सिनेमा में बहुत शुरुआत से ही ठुमरियों का इस्तेमाल होता रहा, तो ऐसा क्यों हुआ कि ठुमरियों का इस्तेमाल, जबकि फिल्मी गाने, फिल्मी गीत फिल्मों का एक जो हम कहते हैं कि हिंदी सिनेमा में एक अलग तरह का गाना बजाना होता ही था, मगर साथ में ठुमरियों का इस्तेमाल क्यों शुरू हुआ, क्यों ठुमरियों को लाया गया? देखिए, अगर हम पुरानी फिल्मों के बारे में बात करें तो तब के जो हमारे ट्रेडिशनल चीज़ें थीं, जिस तरह से शास्त्रीय संगीत को ले लीजिए, गज़लें और ठुमरियाँ, ये इस्तेमाल इसलिए भी होती थी क्योंकि जो म्यूज़िक डायरेक्टर्स थे या जो भी एक्टर्स या सिंगर्स आते थे मूवीज़ में, वो क्लासिकली ट्रेंड होते थे, तो उनकी एक बहुत स्ट्रॉन्ग रागों की बेस थी। इस तरह से इसीलिए यू नो इस तरह के लोगों को भी लिया जाता था जो क्लासिकली ट्रेंड हैं और वो नेचुरली इस तरह के म्यूज़िक को भी लिया जाता था इस तरह से लोगों को, ताकि वो लोग रिलेट कर सकें इससे। और सबसे बड़ी बात यही थी कि जो भी जैसे कॉर्टिजन का सीन है या जमींदार देख रहे हैं इस तरह का कुछ कथक का कुछ दिखाना है उनको एक सिनेरियो, तो उसके लिए ठुमरी का इस्तेमाल होता था। या कोई जो एक फीमेल वॉइस दर्शाने के लिए जो एक विरहा में बैठी है उसको बताने के लिए, उसको उसको डिपिक्ट करने के लिए हम लोग इस तरह से म्यूजिक डायरेक्टर्स उसको ठुमरी को इस्तेमाल करते थे। और इसी के साथ हम समाप्त करते हैं आज की यह कड़ी, मगर आने वाले कड़ी में हम ठुमरियों की इस बातचीत को जारी रखेंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। मैं मानुषी आप सबके लिए कामना करती हूँ कि आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, जहां भी रहें। नमस्कार। ढाई आखर प्रेम का, ढाई आखर, ढाई
ढाई आखर ढाई आखर।